Hello everyone, this is Upasna and I welcome you to another video. So this video will give you a big information for the Thailand lovers. So kal hi yani 7 May 2024 Thailand government ne ek बहुत ही गुड न्यूज अनाउंस किया है जो लोग थाईलैंड ट्रिप प्लान कर रहे इन द कमिंग मंथ्स. तो जो फ्री वीजा वाली बात चल रही थी कि अभी 10th मई 2024 तक होने वाला था तो वो एक्सटेंड हो गया है. लेकिन हम सबके मन में ऐसा था कि अगर एक्सटेंड होगा तो कब तक एक्सटेंड होगा या होगा कि नहीं होगा. तो फाइनली थाईलैंड गवर्नमेंट ने डिक्लेयर कर दिया है 7 मई को कि जो फ्री वीजा है फॉर थाईलैंड विल बी एक्सटेंडेड टिल 11 नवंबर 2024. सो 11 नवंबर 2024 तक थाईलैंड के लिए आपको कोई भी वीजा नहीं लगने वाला, बिल्कुल फ्री है. तो अगर वीजा फ्री हो गया तो एक एडवांटेज आपका क्या है कि आपका 2200 baht पर पर्सन आपका सेव हो जाएगा. यानी आपका पूरा टोटल थाईलैंड ट्रिप में 2200 baht, दैट मीन्स 5000 rupees फॉर अ सिंगल पर्सन आपका सेफ हो जाएगा. तो ये बहुत बड़ा न्यूज है. फिर सेकेंड इज दैट अगर आपका वीजा नहीं चाहिए होगा तो आपका जो डॉक्यूमेंटेशन चाहिए, ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन, तो उसमें क्या क्या चीजें चाहिए होगी. द फर्स्ट इज दैट होटल एकोमोडेशन. तो थाईलैंड में जाके आप जैसे बैंक डिफरेंट सिटीज में आप स्टे करेंगे तो होटल का आपका एकोमोडेशन आपका प्रूफ चाहिए होगा, तो आप प्रिंट आउट लेके जाइए. फिर नेक्स्ट इज द राउंड ट्रिप फ्लाइट्स. आपका जाना और आना दोनों साइड का आपका टिकट्स चाहिए होगा, आप वो प्रिंट आउट करके लेके जाइए. फिर नेक्स्ट इज आपके पास प्रूफ होना चाहिए और फाइनेंशियल स्टेटस, डेट इज पर पर्सन आपका 10,000 baht चाहिए. अगर फैमिली जा रहे हैं तो टोटल आपका 20,000 baht होना चाहिए. एंड द फोर्थ इज दैट सबसे इंपॉर्टेंट, दैट इज द पासपोर्ट विथ 6 months of validity. So ये बस 4 documents ही आपको चाहिए होगा थाईलैंड रीच करने के बाद एयरपोर्ट में ड्यूरिंग द इमिग्रेशन प्रोसेस, और बाकी कोई भी आपको पैसा नहीं लगने वाला. फिर नेक्स्ट इज द एक ऑप्शनल चीज है ट्रेवल इंश्योरेंस या मेडिकल इंश्योरेंस, आप ले लीजिए. ऐसे मैं तो प्रेफर करूंगी कि आप लेके जाइए यहां से, क्योंकि अभी जैसे अगर आप लोगों को पता है कि अप्रैल में 13th to 15th अप्रैल थाईलैंड में मनाया जाता है वाटर फेस्टिवल, दैट इज थाईलैंड्स न्यू ईयर, दैट इज सोंग्रान फेस्टिवल. उस फेस्टिवल के दौरान कई सारे कोविड केसेस का एक्चुअली डिटेक्ट हुआ है. तो इट्स अ सेफर साइड दैट अगर आप मेडिकल इंश्योरेंस या ट्रेवल इंश्योरेंस लेके जाते हैं, आप सेफ साइड में रहेंगे. So, यही सब था इस वीडियो में. तो मैंने बताया कि न्यूज आया है 7 मई को द फ्री वीजा एक्सटेंशन टिल 11 मई. तो फाइनल आपका क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन आपका चाहिए होगा थाईलैंड जाने के लिए, और ट्रेवल इंश्योरेंस आपको चाहिए कि नहीं चाहिए. तो यही इन्फॉर्मेशन था इस वीडियो में. और हाँ, अगर आप लोग कमिंग डेज में थाईलैंड प्लान कर रहे हैं तो आप मेरे चैनल में चेक कर सकते हैं थाईलैंड ट्रेवल के लिए टिप्स या गाइड टिप्स, आइटिनरी एंड बजट अंडर ओनली 50,000 पर पर्सन, और वहां पे क्या क्या प्लेसेस आप विजिट कर सकते हैं या मस्ट प्लेसेस टू विजिट इन थाईलैंड, स्पेशली बैंकॉक एंड पटाया. कि हर एक प्लेसेस हमने जो जो विजिट किया है तो सेपरेट मैंने वीडियो बना है, तो वो भी मेरे चैनल में देख सकते हैं. और मैंने आई बटन और डिस्क्रिप्शन में भी सारे वीडियो के लिंक ऐड कर दिया है, और जो आइटिनरी एंड बजट वाला वीडियो है वो भी मैंने ऐड कर दिया है. तो डू चेक आउट माय दिस वीडियोस. तो होप दिस वीडियो वाज यूजफुल. तो डू कमेंट, लाइक एंड शेयर टू दिस वीडियो. तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड. बाय बाय.